ओके यस, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी मूवी है, स्टोरी बहुत अच्छी है और जो यूनिवर्स बना रहे हैं वो बहुत अच्छा है अभी, वो बहुत अच्छा है, उन्होंने उनके एक्टिंग बहुत बेहतर हो चुकी है अभी इस पीरियड। डायरेक्शन, म्यूजिक, साउंड वगैरह कैसे? साउंड वगैरह अच्छा था, गाने जो है बहुत अच्छे हैं वो भी। वीएफएक्स को दर्शाने की कोशिश की थी, अच्छा हाँ वो भी बेटर है, बेटर होता है। 3.5 दे दूंगा मैं इसके। भेड़िया काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, फुल एंटरटेनमेंट। वरुण धवन की बात करें तो बहुत ज़्यादा सुधार किया है अपनी एक्टिंग में इस मूवी में, शायद ही उनकी वन ऑफ बेस्ट मूवी है, अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी वरुण धवन की मैं मेरे गैस, और काफ़ी बढ़िया रोल किया है वरुण धवन ने। सॉन्ग जो हिट हुए थे वो तो हिट है ही, इसके अलावा जो मूवीज़ में और सॉन्ग है वो भी काफ़ी अच्छे है। कृति सनन तो एक्टर अच्छी है ही, तो इसमें भी अच्छा रोल किया कृति सनन, लेकिन वरुण धवन से जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी ऊपर रोल किया है। बेस्ट पार्ट मुझे फर्स्ट हाफ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, सेकंड हाफ भी ठीक है, लेकिन फर्स्ट ज़्यादा बेटर है। बहुत बढ़िया डायरेक्शन की बात करें तो बहुत अच्छा डायरेक्शन किया गया है, बहुत अच्छी मूवी है, वीएफएक्स भी बढ़िया है, मतलब आप बोलें तो फुल पैसा वसूल मूवी है। जैसे कि अभी ब्रह्मास्त्र में वीएफएक्स देखा गया था, काफ़ी ज़्यादा वीएफएक्स था, तो टक्कर देगी ब्रह्मास्त्र को, तक हमेशा से बोल रहा हूँ मैं, ब्रह्मास्त्र को जो मूवी टक्कर देगी वो भेड़िया। 4.5 भेड़िया, पिक्चर का नाम है भेड़िया। बहुत कमाल फाड़ू काम किया है एकदम, डायरेक्शन बहुत कमाल, ब्रिलियंट, बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत बढ़िया पूरी पिक्चर, कमाल है, फैमिली मूवी है, देखनी चाहिए, पिक्चर से एक सीख मिलती है इंसान को। हाँ वो 3D मूवी है, बहुत बढ़िया है, बहुत कमाल की कलाकार, मेरी फेवरेट है यार। 5.5 ऑडियंस को ये पिक्चर देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए, एक पिक्चर से एक सीख मिलती है कि हमको नेचर के साथ कैसे कनेक्ट रहना है। भेड़िया मूवी अच्छी है, स्टोरी फ्रेश है, नई है, तो स्टोरी के लिए मैं 100 मार्क्स दूंगी। बाकी राइटिंग अच्छी हो सकती थी, क्योंकि राइटर ने बहुत, लेकिन मुझे लगा कि कमज़ोर लगा मेरे को राइटिंग, ओवरऑल स्टोरी बहुत अच्छी लगी, बिकॉज समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश और एक अलग कॉन्सेप्ट है। वरुण धवन हर फिल्म में मुझे एक जैसे ही लगते हैं, बीट कोई भी उनकी मूवी हो, एक्सेप्ट फॉर बदलापुर, बट ओके ठीक है, उनकी एक्टिंग अच्छी लगी। लेकिन कॉमेडी की मैं बात करूँ तो सारा शो जेडी ने, जनार्दन ने स्टील कर लिया, क्योंकि उनकी कॉमेडी की वजह से थोड़ी हंसी और वो सब रहा। कृति सेनन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है उनका इस मूवी में, बट उन्हें बहुत ही छोटा पार्ट दिया गया, जो बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा। बाकी ओवरऑल मूवी इज़ गुड। या सचिन जिगर का म्यूज़िक है, सॉन्ग्स बहुत कैची है, पेपी है, लास्ट सॉन्ग मुझे सुनना था बट बोर हो गए तो आ गए, ठुमकेश्वरी अच्छा सॉन्ग है, देन जंगल में वो भी अच्छा गाना है, पेपी सॉन्ग्स है। 3/5 ऑडियंस, हाँ ये मूवी थोड़ी सी स्लो है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे आई नो कि वीकेंड आते आते मूवी चलेगी। क्या बहुत ही मज़ा आया भेड़िया देख के, और कुछ डिफरेंट बनाए उन्होंने इस बार कॉन्सेप्ट, और अभी तक की जो भी मूवी है उससे टॉप पे गया है, बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग करी उस बंदे ने। बीएफएक्स बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से उन्होंने बीएफएक्स किया इस बार, बहुत आई थिंक बाहर का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंडिया में यूज़ किया है। कृति सेना का भी एक सस्पेंस रोल था, वो बहुत ही अच्छा आया। और बात करें स्टार की तो 5 में से कितना स्टार देना चाहूँगा? मैं तो 5 में से 5 ही दूंगा, आई रियली लाइक। ऑडियंस के लिए बोलूँगा कि ये मूवी देखें जाके, रियली आई लाइक, एंड सी यू वॉच योर नियरेस्ट सिनेमा। थैंक यू। कौन सी मूवी देख के आ रहे हो आप? भेड़िया। एक बार भेड़िया वाला अंदाज में। या! किस
तरह का कैरेक्टर लगा वरुण धवन का? बढ़िया बढ़िया काम किया। कुछ फेवरेट पार्ट जो मूवी के बारे में बताना चाहोगे आप, आपका कौन सा फेवरेट पार्ट है? वो भेड़िया जो है लड़की के अंदर आ जाता है, वैसे तो होता है उसके अंदर लास्ट में जिसको गोली लगती है ना, गोली लगती है वो जो दोस्त का जो जोड़ा होता है साथ में भेड़िया, तो वो लड़की गोली लगने के बाद नीचे गिरती है तो बड़ी फीलिंग होती है। आदमी हो या जानवर हो दोनों के जोड़े होते हैं, तो अगर किसी का जोड़ा बिछड़ जाए तो बड़ा फीलिंग होती है। वो नीचे पहाड़ के नीचे गिर जाते हैं, वो भेड़िया खड़ा होकर रोता है तो बड़ा दुख हुआ। मैं जानवर है तो क्या, उसके अंदर ही फीलिंग है ना, एक मेरा जोड़ा बिछड़ गया। हाँ वो जंगल में गाने तीनों अच्छे हैं, लेकिन जंगल में कांड हो गया वो अच्छा लगा बहुत। हाँ डायरेक्शन वगैरह? डायरेक्शन बहुत अच्छा है, हाँ डायरेक्शन बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, कोई वल्गरिटी नहीं है। स्टार की बात करें तो 5 में से कितना स्टार देना? देखो कोई कमी तो है नहीं फिल्म के अंदर, फिर 5 में से 5 ही दूंगा। दर्शकों को बोलूँगा जो सिनेमा प्रेमी आदमी है, सिनेमा प्रेमी, वो देखें इस पिक्चर को, और जिनको देखने का शौक ही नहीं उनकी बात तो क्या है। भेड़िया रिएक्शन नहीं, स्टोरी बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, और इस टाइप की स्टोरीज़ के ऊपर इंडियन सिनेमा में अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि और चीज़ें बननी चाहिए, यू नो। बहुत बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है, और जिस हिसाब से मूवी को उन्होंने बनाया है, इट्स वेरी नाइस, इट्स ब्यूटीफुल। अरे द वे ही ट्रांसफॉर्म, द वे ऑल दिस थिंग्स हैपन, इट्स रियली नाइस। देर आर मैनी वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है जिसको देख के आई वाज लाइक वाओ, मतलब मैं लिटरली आई वाज लाइक ऐसे करके देख रही थी मैं स्क्रीन में। तो एक तो मैं बोल नहीं सकती, देर आर मल्टीपल, बट हाँ मतलब मैं बोलने जाऊँगी तो मैं लिटरली स्पॉयलर दे दूँगी, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ इस फिल्म को लेके। तो कृति सनन, उस कृति को हमने ऑलवेज एक डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखी है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कैरेक्टर्स प्ले किए, पर इस मूवी में उसका जो कैरेक्टर रहा है इट्स वेरी डिफरेंट। मैंने मतलब मैंने सोचा नहीं था कि कृति को मैं इस रूप में देखूंगी, बट शी किल्ड इट। सॉन्ग्स तो देखो, सॉन्ग्स तो हम पहले भी सुन चुके हैं यूट्यूब में एंड ऑल, बट हाँ जो सॉन्ग्स तो ऑब्वियसली अच्छी है, बट जो थीम म्यूजिक है दैट इज़ रियली नाइस, वेरी नाइस। 4.8 as usual. Guys, you must watch this film. It's a lovely film. It's a very new concept, and the director is setting a new legacy. You know, you must watch it. Please come and visit the theaters, and just enjoy the film. Thank you. No, thank you so much. Bhediya, बहुत मजेदार movie है. मैसेजेबल मूवी है, प्लीज सब लोग जाके एक बार तो जरूर देखना है मूवी। भेड़िया की बात करें, आप लोगों को काफी पसंद आई है, तो भेड़िया रिएक्शन ऐसे देखने जाए तो नाखून आ नहीं रहे, लेकिन लिटरली काफी अच्छा था, लेकिन मूवी वाज लिटरली गुड। एंड लिटरली मूवी में देखा जाए तो नेचर से रिलेटेड हमें अच्छा मैसेज दिया गया है, एंड और चीज़ों के ऊपर भी किया है, लाइक लैंग्वेज के ऊपर भी बातें की है, स्टेट वाइज लोगों के ऊपर कैसे हम रिएक्ट करते, कोई अगर दूसरे स्टेट में आता है तो हम कैसे इस अलग तरीके से बिहेव करते उनको देख के। तो मूवी हमें ये भी बहुत अच्छा मैसेज देता है कि किसी को देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए यार कि वो हमारे दूसरे स्टेट का है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही मैसेज मैं भी देना चाहूँगा ना कि सबको एज अ इंडियन ट्रीट करो, किसी को यही मत ट्रीट करो कि यार आप ये स्टेट से आए हो, आप वो स्टेट से आए हो, तू ऐसा दिखता है, तू वैसा दिखता है, तेरा लैंग्वेज अलग है। पहले तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ट्रीट लाइक अ इंडियन, सब लोग यहाँ पे इंडिया में आप रहते हो मतलब आप इंडियन, दैट्स इट। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, एंड लिटरली मूवी ना बहुत फनी भी है, देखा जाए मूवी फनी भी है, एंड उसके अंदर मैसेजेस भी अच्छे दिए हैं। रिएक्शंस आप देखेंगे तो रिएक्शन पूरे अलग ही दिखेंगे, मूवी में अलग अलग लोग अलग तरीके से देखेंगे। बहुत अच्छा है, उनको तो देख के सिर्फ लव होता है उनको, और कुछ नहीं होता है क्योंकि उनका जो काम है वो लिटरली बहुत अच्छा है उसके अंदर। एंड जो मूवी का ट्विस्ट है ना लास्ट का, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। सॉन्ग वॉन्ग बहुत बहुत मज़ेदार थे, काफ़ी इन्जॉय किया सॉन्ग्स में हम लोग। जो सॉन्ग्स थिएटर में सुनने में मजा आएगा ना, वो घर में सुनने में मजा नहीं आएगा लिटरली। एंड वो मूवी के बीच में जो सॉन्ग चलता है तो हम फील नहीं करते, ऐसे बोलते ना हमारे हाथ के बाल ऐसे रोए खड़े हो गए, वैसा वो एकदम गूज बम्स आते हैं, एकदम वैसा वाइब्स आता है पूरा। मैं 4 दूंगा, मैं 4.5 दूंगा।
I watched just now watched Bhediya. बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी movie. Everybody should watch it. बहुत. उसमें दिखाया है कि कैसे transformation किया है उनको एक भेड़िया ने जब काट लिया था तो वो पूरा जो और जो baseline है story की वो बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी. It was nice. It was amazing. मतलब 3D में देखो तो बहुत अच्छा लगेगा. बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है. कॉमेडी जॉनरा की बेस्ट मूवी है 2022 में. इट वॉज अमेजिंग डायरेक्शन प्लस जो कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा मूवी में पसंद आया वो है जगन्नाथ का जो वरुण धवन के दोस्त बने हैं. इट वॉज वेरी नाइस. आई गिव 5/5. या थैंक यू. बिल्कुल बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग मूवी में आउटस्टैंडिंग मूवी है. जो कहते हैं वरुण धवन इज़ नॉट अ गुड एक्टर उनको ज़रूर ये पिक्चर देखनी चाहिए. एंड वरुण धवन या वरुण एक्स आपके पिक्चर तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो ज़रूर देखेंगे हम. और स्टोरी लाइन वगैरह काफ़ी अच्छी है. अमर कौशिक सर का डायरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है. सचिन जी करके गाने बहुत अच्छे हैं. और क्या कहूँ मैं VFX बहुत अच्छा दिया हुआ है. एक्चुअली बस VFX के नाम पर बहुत ट्रोल भी होती है मूवीज़ तो उस हिसाब से VFX बहुत अच्छा है. कृति सैनन का जो उन्होंने न्यू लुक लिया हुआ है लाइक इतने से उनके बाल हैं. आई डोंट नो द हेयर स्टाइल बट उनकी वजह से आधा काम तो उनका ग्लैमर ने ही कर दिया है. बहुत अच्छी लगी मेरे को पिक्चर. 4.5 स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 5 स्टार्स. ऑडियंस को मैं बस इतना बोलूँगा कि जितना हो सके आप इस मूवी को 3D में इंजॉय कीजिए और थिएटर्स में जितना जल्दी आके इंजॉय कीजिए. ये थिएटर भी आधा फुल हो गया था फर्स्ट डे फर्स्ट शो था और मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा गाना है. ठुमकेश्वरी गाना है और एक जर्नी सॉन्ग भी दिया हुआ है इस मूवी में. वो भी बहुत अच्छा है. फनी मूवी है. क्रीचर कॉमेडी जिस हिसाब से इसका नाम दिया हुआ है उसने टाइटल को बराबर मेंटेन करके रखा हुआ है. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी लगी. लव्ड इट. कुछ बोलना चाहोगी ऑडियंस को किस तरह से ग्रोथ कर रहा है अपना बॉलीवुड? बिल्कुल. पहले जो भी हम लोग देखते थे मोस्टली हमारा ऐसा था कि द मूवीज़ वेयर रीमेक्स या कोई भी हॉलीवुड की स्टोरी से चुराए हुआ या तमिल से रीमेक है. बट हॉलीवुड इज़ लाइक बॉलीवुड इज़ ग्रोइंग. अभी हमारा खुद का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है एंड ऑफ कोर्स द डायरेक्टर इफ़ वी सी हिज मूवीज़ फ्रॉम स्त्री रूही एंड ऑल दिस तो भेड़िया अभी ही इज़ ट्राइंग टू मेक एन हॉरर यूनिवर्स. सो विच इज़ अमेजिंग विच इज़ अ वेरी गुड न्यू कॉन्सेप्ट. ऐसे हॉलीवुड में बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे DC का हो गया मार्वल का हो गया ऐसे बहुत सारी चीज़ें बन रही है. एक्समैन का एक अलग यूनिवर्स है. सो लाइक दैट वी शुड ऑल्सो हैव आवर ओन. तो अभी बन रहा है. सो पीपल आर मेकिंग दैट्स यंग डायरेक्टर्स बना रहे हैं चीज़ें एंड वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट न्यू कॉन्सेप्ट. ब्रह्मास्त्र के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते. ब्रह्मास्त्र इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ VFX. वो कुछ और ही लेवल का VFX है. बट इफ़ यू से भेड़िया इट हैज़ वेरी गुड स्पेशल इफेक्ट्स वेरी गुड VFX. यू कैन वॉच आई मीन ब्रह्मास्त्र के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. इट्स अनदर लेवल. बट भेड़िया का कॉन्सेप्ट भी भेड़िया का VFX भी बहुत अच्छा था. ऑफकोर्स इट्स सरप्राइज एंड ऑफकोर्स ये एक कॉन्सेप्ट छोड़ जाता है हम लोगों के पास कि स्त्री 2 या भेड़िया 2 आएगा. इट लीव्स ऑडियंस विद एंटिसिपेशन नए कुछ के लिए. ओह वेरी एक्साइटेड वेरी एक्साइटेड. वरुण रॉक्ड वेरी नाइस. कृति सैनन इज ऑल्सो वेरी नाइस. कृति सैनन एक बहुत अच्छी एक्टर है मतलब अदाकारा है. पहले भी हमने देख चुके हैं दूसरे मूवीज में एंड हियर ऑल्सो इट्स नॉट एन एक्सेप्शन. बहुत अच्छा काम किया है कृति सैनन ने. बिल्कुल सर एक तो मतलब दिल को छूने वाला सॉन्ग एक यहाँ पे एक रोमांटिक सॉन्ग है विच टचेज योर हार्ट. फूड टैपिंग नंबर है एक जंगल में कांड हो गया. एंड देन यू हैव टू रैप सॉन्ग्स विच आर वेरी रिलेटेबल. एक जर्नी का सॉन्ग है एंड देन देर इज़ अनदर सॉन्ग जो भेड़िया बनते वक्त मतलब वो होता है वो सॉन्ग दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. इंटरेस्टिंग बट बोल दूंगी तो स्पॉयलर आ जाएगा. बट यस एंड में कुछ स्पेशल है और फिर दे हैव सम पंच लाइन्स है बहुत अच्छा कुछ सॉन्ग के साथ रिलेटेड कुछ मतलब बहुत देर लाइक वेरी गुड पंच लाइन्स और कुछ कुछ चीज़ें कुछ सॉन्ग्स के साथ रिलेटेड है कुछ दूसरे मूवी के साथ रिलेटेड है कुछ एवरीडे यूज लाइन के साथ रिलेटेड है. तो इट्स वेरी मतलब वो सुन के आपको समझ में आएगा. एंड देर आर वेरी गुड मैसेजेस ऑल्सो छोटे छोटे मैसेजेस है जो कि रेसिज्म के ऊपर है या नेचर के ऊपर है या ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें सटल चीज़ें जो कि छू के मतलब दोज आर वेरी टचिंग जो टच करके जाती है आपको जो कॉमेडी के थ्रू आपको समझाया जाता है मतलब वो चीज़ें हैं. 4.9. मैंने देखी भेड़िया डायरेक्टेड बाय अमर कौशिक.
अमर कौशिक ने इससे पहले स्त्री मूवी बनाई थी और बाला मूवी बनाई थी, जो दोनों ब्लॉकबस्टर थी। अभी देखते हैं तीसरी मूवी हैट्रिक होती है या नहीं। लोगों को पसंद आ रही है, बहुत सारे मेनी यंगस्टर्स टर्न्ड अप फॉर द मूवी एंड दे वे एंजॉयिंग द मूवी, क्योंकि मूवी में अच्छा म्यूजिक है, हॉरर भी है और कॉमेडी भी है, तो एक बहुत अच्छा तड़का लगाया है। कुछ पोर्शंस थोड़े से स्लो पेस्ड हैं और इतनी इंगेजिंग नहीं है, तो एडिटिंग जो है वो क्रिस्प हो सकती थी। तो संयुक्ता कजा जिन्होंने तुम्बड़ मूवी एडिट की थी, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि और अच्छी एडिटिंग हो सकती थी। गाने बहुत अच्छे हैं, थुमकेश्वरी गाना हो, थुमकेश्वरी जिसमें श्रद्धा कपूर भी आई और तीनों ने मतलब जो तड़का लगाया, श्रद्धा और अपने वरुण धवन और कृति सैनन, वाह 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 वाह। और अरिजीत सिंह की वो जो आवाज़ अपना बना ले, वाह 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 वाह। और उसके बाद जंगल में कांड गाना, उसकी कोरियोग्राफी और डांस स्टेप, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। म्यूज़िक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सचिन जिगर का, उसके साथ हॉरर भी है, कॉमेडी भी है, सब कुछ बढ़िया है। सिर्फ एडिटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। आजकल शॉर्ट्स और रील्स का ज़माना है, आप ऑडियंस को जब तक कि आपका कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप 2 घंटे 40 मिनट तक नहीं रोक सकते, तो एडिटिंग को प्लीज़ डायरेक्टर्स, आपका कंटेंट अगर न्यू भी है, न्यू जॉनर भी है, प्लीज़ इसके ऊपर एडिटिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा लगा। आई थिंक वरुण धवन एक वर्सेटाइल एक्टर हैं, उनसे बदलापुर की एक्शन मूवी हो या जुग जुग जियो का कॉमिक टाइमिंग हो, हर मूवी में वो छा जाते हैं और ये मूवी में वो छा गए। मतलब उनका रोल इतना टफ था, बट ही डिड इट सो कन्विंसिंगली विद सो मच कन्विक्शन दैट बहुत मज़ा आया। VFX बहुत अच्छे, हॉलीवुड लेवल से कंपेयर किए जा सकते हैं, बट मुझे ये लगता है कि जो 3D इफेक्ट्स हैं उतने उभर के नहीं आए। 3D नहीं, 2D भी होती तो चल जाता, बट नेवरदलेस इट्स अ मस्ट वॉच, इट्स अ वन टाइम वॉच। दृश्यम 2 के सामने आई है और दृश्यम 2 ऑलरेडी लोगों को पसंद आ गई, तो देखते हैं ये मूवी, बट ऑडियंस इज वी लविंग इट। ऑडियंस को ये बोले कि वरुण धवन ने बहुत अच्छे काम किया है, आप थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें नज़रअंदाज कर सकते हैं, बट आप इसका म्यूज़िक नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो ऑलरेडी बहुत बड़ा हिट हो गया है। आप इसकी हॉरर और कॉमेडी नहीं नज़रअंदाज कर सकते, आप अमर कौशिक का डायरेक्टर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप इसकी सिनेमेटोग्राफी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो जाइए और देखिए, यही बोलना चाहूँगा मैं, और क्या बोलूँ। मैं 3 स्टार दूंगा ओनली बिकॉज ऑफ वरुण धवन, वरना मैं ये मूवी को 2.5 स्टार देता।